इसको डोकरा बोलते हैं। डोकरा आर्ट। ओके, सारे लकड़ी के ये बने हुए प्रोडक्ट हैं, आप देख सकते हो ये जो आप डेली किचन में यूसेज होते हैं। और यहाँ पर देखो जी, ये बहुत ही बढ़िया ऊँट के सवारी के भी भाई एंजॉय कर सकते हैं अपने बच्चों के। चला दिन के चिराग से निकला हुआ जीनी है। 1800 हाइट वाले यार यहाँ पर ये बंदे हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं आपका अमरजीत सिंह, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सप्लोर विद अमरीको जी। दोस्तों आज मैं आपको घुमाने के लिए लेके आ रहा हूं नोएडा के नोएडा हाट में लगे सरस आजीविका मेला 2024 को। तो जी दोस्तों, इस मेले के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, यानी फूड्स कौन कौन से आप देख पाते हो और कौन कौन से आप आइटम यहाँ पर देख सकते हो अपने घर के रिलेटेड या डेली यूसेज के रिलेटेड। तो जी चलो चलते हैं, एंट्री लेते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगी। तो चलो चलते हैं, एंट्री लेते हैं। अभी हम खड़े हैं मेन गेट पर सरस आजीविका मेला 2024 के। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये मेन एंट्री गेट होने वाला है। एक यहाँ से भी आप अपनी एंट्री ले सकते हो और एक वहाँ से भी एंट्री ले सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका लखपति दीदी वाली चेयर है, तो यहाँ पर आप अपनी सेल्फी मतलब क्लिक करा सकते हो, कुछ सेल्फी पॉइंट बना के रखा गया है। तो चलो चलते हैं, एंट्री लेते हैं। अभी ये मेला 16 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2024 तक चलने वाला है, जिसकी एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री होने वाली है। ये नोएडा हाट में लगा है और फुल एड्रेस की बात करी जाए तो फुल एड्रेस होगा सेक्टर 33A नोएडा सिटी सेंटर, और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी नोएडा सिटी सेंटर का ही रहने वाला है, जिसमें आप एक्सपीरियंस यूनिक क्राफ्ट बाय रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन के आप ले सकते हो, जिसमें आपको 450+ रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन अक्रॉस 27 states एंड सरस फूड कोर्ट विद डिलीशियस फ्रॉम वेरियस स्टेट 85+ ट्रेडिशनल कल्चर प्रोग्राम्स ऑफ स्टेट के आप इंजॉय यहाँ पर देख सकते हो। एंट्री ऐसे हम लेते हैं तो कुछ इस तरीके का होने वाला है ये मेन गेट। तो यहाँ से एंट्री लेते ही आप देख सकते हो यहाँ पर भी ये कुछ ये स्केचेस वगैरह के थ्रू यहाँ पे पेंटिंग यानी रंगोली कह सकते हो आप, इस तरीके से बना रखा है। यहाँ पे भी आप अपनी फोटोज क्लिक करा सकते हो, कुछ इस तरीके का होगा। और यहाँ पर देख सकते हो ये छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग्स वगैरह बना रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पर स्कूल के बच्चे जैसे बैठे हुए हैं, ये कुछ पेंटिंग्स वगैरह बना रहे हैं। तो कुछ अयोध्या में अपने राम मंदिर के बना रहे हैं और कुछ रंगोली के बना रहे हैं, कुछ पीकॉक बना रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी प्यारी पेंटिंग्स बना रहे हैं। और साथ में यहाँ देख सकते हैं आप, तो दोस्तों यहाँ पर ना कुछ फोटोज़ दे के रखी गई हैं ईयर बाय ईयर। तो यहाँ पर जैसे नोएडा के नोएडा हाट में सेलिब्रेटिंग करा जा रहा है भाई 26 ईयर सरस आजीविका मेला, तो ये कुछ होने वाली फ़ोटोज़ जो 1999 से यानी 1999 से स्टार्ट हुई थी ये, फिर करते करते अभी तक 2023 तक ये स्टार्ट है। तो देख सकते हो आप ये कुछ फोटोज़। अभी इस मेन गेट से हमने एंट्री ली और एंट्री लेते कुछ इस तरीके का आपको व्यू देखने को मिलता है। और एंट्री लेते यहाँ पर आप अपनी सेल्फी पॉइंट जैसे बना के रखा गया, यहाँ पर आप अपनी सेल्फी ले सकते हो। और यहाँ से कुछ शॉप्स आपको कंटिन्यू देखने को मिलती हैं, अलग अलग स्टेट की सारी शॉप्स होंगी। और यहाँ पर ये मेन स्टेज है तो यहाँ से भी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी तो वो भी ले सकते हो। और साथ ही साथ देख सकते हो आप जहाँ तक नजर जाए ये सारी शॉप। और यहीं से सीधा अगर आप जाते हो तो इंडिया फूड कोर्ट भी आपको देखने को मिलता है। तो चलो चलते हैं और आपको हर एक शॉप के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। एंट्री लेते ही आपकी सबसे पहले जो शॉप होती है ये सेंथूरापुर तमिलनाडु की तरफ से एक ये शॉप है, जहाँ पर गर्ल्स अपने क्लोथिस वगैरह यानी कपड़े वगैरह ले सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ ये इनके रिलेटेड आप देख सकते हो ये सामान, कुछ ये कुछ नेकलेस वगैरह है। तो ये कुछ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर शॉल वगैरह हो गए, साड़ी वगैरह हो गए, कुछ ये कुछ वार्म हो गए यानी गर्म। और यहाँ पर भी देख सकते हो आप ये लेडीज़ों के साड़ीज़ वगैरह हैं। और साथ ही साथ अगर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स, तो बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन के साथ ये रेडी कर गए हैं। और इनका जो नाम होगा इधर लिखा नहीं हुआ वैसे तो। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर है नाई रोशनी प्रजापति हरियाणा की तरफ से। तो देख सकते हो यार इनके ये शॉप्स कुछ ये कितना प्यारा लग रहा है ये देखिए। और ये देख सकते हैं आप, और ये छोटे छोटे कप देखोगे ना, ये देखो ये कुछ हैंडमेड वाले कप है सारे। और ये देखिए तो बहुत ही बढ़िया, ये भी आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन से रेडी करके रखे गए हैं। वहाँ पे कैथली वगैरह भी है, ये कुछ लाइटिंग है। और यहाँ से आगे बढ़ते ये कुछ बेडशीट्स वगैरह है, तो ये ओम शांति सेल्फ हेल्प ग्रुप राजस्थान की तरफ से ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आपको राजस्थान की तरफ से जैसे शॉप्स हैं तो इधर ही आपके कुछ आई थिंक ये अलग अलग डिज़ाइन के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सूट्स वगैरह। और आगे ये टी शर्ट्स वगैरह बॉयज़ के रिलेटेड गर्ल्स के रिलेटेड सब आपको मिल जाएंगे यहाँ पर देखने को, वेस्ट बंगाल की ये शॉप है। और अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये बेड शीट्स वगैरह हैं, तो देख सकते हो ये कुछ है गुडी सेल्फ हेल्प ग्रुप उत्तर प्रदेश। इनका चिराग यानी हमारे को जीनी मिल चुका है आप देख सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके के जीनी होने वाले हैं। ये देखिए इनका डिज़ाइन बड़े प्यारे तरीके, या तो देख सकते हो यार ये अलादीन के चिराग से निकला हुआ जीनी है।
ये बहुत प्यारे भाई। तो दोस्तों अब हम आपको जो शॉप दिखाने वाले हैं ये त्रिपुरा की तरफ से एक शॉप है जिनके पास ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये प्रोडक्ट देख सकते हो। ये कुछ वाटर बॉटल है कुछ ये है, तो इसके बारे में हम अपनी फुल इन्फॉर्मेशन लेते हैं ये सर से। तो हेलो सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नमस्ते। हाँ, मेरा नाम शुभंकर देव है। ओके। मैं त्रिपुरा रहने वाला हूँ। ओके। मैं त्रिपुरा का स्टेट कोऑर्डिनेटर। ओके। नोएडा हाट में जो सरस फेयर चल रहा है इसमें हम त्रिपुरा से एक स्टॉल लेके आया है। जो सामान लेके आया है हाँ। वो यूनिक प्रोडक्ट है। ओके। वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ओके। वो बेसिकली बैम्बो का है। ओके, ओके। और हैंडमेड प्रोडक्ट भी है। ओके। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर प्रोडक्ट है। हाँ जी। वो हमारे उधर एसएचजी दीदी लोग वो हाथ से बनाता है। ओके। और ट्रेडिशनली ट्रेडिशनल ड्रेस हम लोग कहते हैं। ओके। ठीक है, वो बहुत अच्छा क्वालिटी का है। और अगर बेम्बो का देखे तो बेम्बो का वो जो ब्रश है टूथब्रश हम बाहर से जो खरीदते हैं वो ब्रश अगर फेंकने से क्या होता है वो प्लास्टिक 1 ईयर लग जाता है। yes. ये माटी में रिसाइकल होना हाँ डिस्ट्रॉय होने से। लेकिन ये बेम्बो से बना है, ये एनवायरमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ेगा और बहुत सुंदर प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं। हाँ जी। उधर बहुत सुंदर सुंदर दीदी लोगों का प्रोडक्ट बनाया बालों में लगाने के हाँ। लिए। एंड इसके साथ ज्वेलरी भी देख सकते हैं, ये प्योर बेम्बो का बनाया दिखाना सर एक बार। हाँ, ये बहुत वैरायटी है, अभी भी डिस्प्ले होना बाकी है। ये किचन हो गया। हाँ, ओके। एंड ये क्या है? ये बालों में जैसे बालों हाँ, हाँ, बालों में लगाते ठीक है, ठीक है। और पेन भी है वो भी प्योर बेम्बो का है, आप देख सकते हैं। ओके। और इसके साथ आपके पास ये क्या मतलब ये वाटर बॉटल हो गए? और वाटर बॉटल है। ओके। तो ये कितने से स्टार्ट हो जाते हैं? ये 400 का है। 400 का बॉटल है। ओके। वो इधर है 300 का। अच्छा, इसका साइज छोटा हो गया पर इसका डिजाइन थोड़ा यूनिक है। उससे साइज के हिसाब से ये चेंज होता है रेट। ओके। वो है 800 का। ये 800 हाँ, ओके। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंट है? डिफरेंट है ये स्टील का अंदर okay, में okay, स्टील okay, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हम आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने डिफरेंट टाइप्स के यार ये कारपेट्स वगैरह हैं। तो देख सकते हो यार, और इनका डिजाइन देखो यार, ये प्रॉपर कपड़े का बना हुआ है, बहुत बढ़िया। और ये देख सकते हो आप, यहाँ पर भी देख सकते हो कुछ, और ये कुछ थैले हैं बैग्स वगैरह, और यहाँ पर देख सकते हो वहाँ पर कारपेट्स हैं। तो बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पर मिलेंगे आपको, तो यहाँ से आप ये अपना परचेज कर सकते हो। जैसा कि अभी हम आगे की तरफ बढ़े हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो यार, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं मिट्टी के बने हुए, तो देख सकते हो यार ये पूरा, तो बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और ये कुछ अपना सब्जी वगैरह रखने के लिए देख सकते हो कुछ, और ये वाटर बॉटल्स हो गए, ये भी आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। यहाँ पर भी देखोगे आप ये छोटे छोटे कुछ प्रोडक्ट हैं, और ये कुछ जग में पानी वगैरह रखने के लिए। जो आप ये प्रोडक्ट देख रहे हो ये सारे लकड़ी के ये बने हुए प्रोडक्ट हैं। आप देख सकते हो ये जो आप डेली किचन में यूसेज होते हैं, जैसे ये स्पून्स हो गए, ये कुछ छोटी छोटी कोलियाँ हो गई जिसमें आप सब्जी रख सकते हो, साथ में साथ ये जैसे हैंड वॉश करने के लिए जैसे ये होता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये किचन वगैरह इन्होंने बना रखा है, ये भी पूरा प्रॉपर लकड़ी का, कितना प्यारा लग रहा है यार। सुमन कुमार बेहरा है, मैं उड़ीसा कटक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है इसको डोकरा बोलते हैं। डोकरा आर्ट। ओके। मेनली होता है ये जो वैक्स का लॉस्ट एंड फाउंड प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस में बनाया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये सब टॉर्टाइज बनाना है, पहले इतना क्ले लेते हैं, उसको सुखाते हैं, फिर बी वैक्स और रेजिन मिला के लंबा लंबा वायर करते हैं। ठीक है। और सारा वायर को इसके ऊपर लपेट लपेट के सारा डिजाइन कर देते हैं, पूरा एकदम मतलब टॉर्टाइज का शेप आ गया। फिर उसको मिट्टी कवर कर देते हैं, दो कोटिंग मिट्टी कवर करके उसको सुखाते हैं। धूप में सूखने के बाद एक छोटा सा होल रखते हैं अंदर, फिर पीतल को पिघला जाते हैं और इसको भी सेम टेम्परेचर में गर्म करते हैं, यानी 1000 डिग्री टेम्परेचर तक के पीतल मेल्ट करेगा। फिर ये क्या होगा ना, इसके वैक्स इसी जगह पूरा एकदम वेपर होकर निकल जाएगा। फिर उसको इसमें पोरिंग करते हैं मिट्टी के अंदर, ये जहाँ जहाँ वैक्स का वो वायर होगा वो एक संचय की तरफ हो जाएगा, फिर ऊपर का मिट्टी और अंदर का मिट्टी निकाल देते हैं, तब ये बनता है। और इसमें हमारा कई सारा डेकोरेटिव प्रोडक्ट बनता है, और कुछ यूटिलिटी जैसे पेन स्टैंड वगैरह है, कैंडल स्टैंड वगैरह है, दिया वगैरह, ये सब हमारा बनता है। मतलब ये
डेकोरेटिव आइटम। तो मिनिमम प्राइस कितने रुपए से स्टार्ट हो जाता है आपके पास? 200 से स्टार्टिंग है। और 200 में क्या होगा प्रोडक्ट? छोटे छोटे जो सब है, ये देखिए गणपति है, ये बच्चे लोगों के लिए बहुत डिमांड होता है, जो स्कूल जाते हैं ना, इसको क्या करते हैं अपना बॉक्स के अंदर ज्योमेट्री बॉक्स में रख लेते हैं, कुछ कभी बेंच पे जाके रखते हैं। यस ऐसे करते हैं। ठीक है। एंड इसके साथ और ये सब भी देखिए आप, ये अगर आप की रिंग्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके इसमें चेन लगा के। हाँ बाकी तो सर जैसे ये फोटो फ्रेम्स हैं। हाँ ये जैसे ये डोकरा फ्रेमिंग है, इसको हम लोग डबल माउंटिंग करके रखे हैं ताकि अंदर डस्ट फंगस कुछ जाएगा नहीं। ठीक है। और इसका लॉन्जिविटी बहुत टाइम रहेगा, ये खराब नहीं होगा। ठीक है जी। और ये होता है हमारा उड़ीसा सन टेम्पल। उड़ीसा सन टेम्पल का। ओके ओके। ये जो निशान होता है ना, इसको कोणार्क व्हील बोलते हैं। ओके जी। और ये हम लोग इसको फ्रेम करके रखे हैं। ठीक है। अभी ना हम आपको यहाँ पर कुछ तरीके की साड़ियाँ दिखाने वाले हैं, जो कि आप 2000 रुपये से स्टार्टिंग यहाँ पर प्राइस पर आप ले सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके के देख सकते हो, अलग अलग डिज़ाइन में कुछ, ये देखिए। और ये झारखंड के कुछ हैं भाई, ये प्रोडक्ट सारे देख सकते हो। तो ये कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। तो यहाँ से आप आते हो तो ये मैडम से आप अपना परचेज कर सकते हो। यहाँ से ना आप कुछ ये बैग्स वगैरह अपना परचेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ ये हिमालय हैम, और देख सकते हैं ये कुछ अलग अलग डिज़ाइन से, कुछ पहाड़ी डिज़ाइन है कुछ। और यहाँ से आप देख सकते हो ये कुछ दुल्हन जैसे अपने शादी वाले दिन, या नॉर्मली आप जैसे गर्ल्स हो तो आप ये बैग वगैरह ले सकते हो। और कुछ इस तरीके के आपको बैग्स दिख जाएंगे। और यहाँ पर भी हैं अलग अलग तरीके के ये बैग्स। और इसी के साथ आप अगर कुछ बेडशीट वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं, और बेस्ट प्राइस पर ये दे रहे हैं। तो आज के दिन तो अगर आप आते हैं तो ये आपको मिल जाएंगे। ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। और ये देखिए बाकी यहाँ भी आप देख सकते हो। तो आप आइए और परचेज करिए भाई। सर साचिवी का 2024 मेला में यहाँ पर आप एक्सपीरियंस यूनिक क्राफ्ट बाय रूरल वुमेन के थ्रू कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो किस किस स्टेट से जैसे यहाँ पर वुमेन्स आ रखे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, ऐसे कुछ यहाँ पर स्टेट्स के नाम हैं जिधर से ये सारी महिलाएं आ रखी हैं। तो गाइज अब जो हम आपको शॉप दिखाने वाले हैं, वहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शंक्स के कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे देखने को, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं, देख सकते हो यार ये कुछ गुलदस्ते, हम जैसे हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पर आप अपने ये पौधे रख सकते हो इसके अंदर। और ये आप ये देख सकते हो ये जैसे शंक्स होते हैं ना, उनके चूल्हे से बने हुए यार, इसका डिज़ाइन कर रखा है ऊपर, और ये वैसे मिट्टी का है, तो कितना प्यारा लग रहा है। तो कुछ इस तरीके के यहाँ पर ये प्रोडक्ट होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हो छोटे छोटे, और ये देख सकते हो ये भी शंख से पूरा रेडी करा गया, कितना प्यारा लग रहा है। और अभी हम इस तरफ देखते हैं तो ये घरों में सजावट के लिए जैसे दरवाजे के ऊपर होते हैं ना, तो ये भी देखो छोटे छोटे शंख से। अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये शंख के रिलेटेड यहाँ पर ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर भी आप देखो ये कुछ ये की चैन वगैरह है, तो देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। ये कुछ 50 से 100 रुपये के बीच बीच में आप ये यहाँ पर परचेज कर सकते हो। ये देखिए वाओ बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यार ये शंख, और इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है आर, तो बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये देखिए किस तरीके से ये मैग्नेट वाले, ये देखो नीचे मैग्नेट लगा रखा है, और ये देखो पूरा शंख रेडी करा गया, बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये की चैन वगैरह, और ये बड़े बड़े अगर आपको ये शंख लेने हैं तो ये हैवी है यार, अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से ये ले सकते हैं। ये देखिए संगीत, तो देख सकते हो भाई, चलो देखते हैं और एंजॉय करते हैं। यार यहाँ पर देखो कितने हाइट वाले बंदे देख लिए हमने, ये देखो भाई इनके पैर देखो कितने बड़े बड़े।
ये बहुत बढ़िया। जैसे कि इंडियन फूड कोर्ट कुछ इस तरफ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ पर ना मेन्यू दिखा देते हैं। अलग अलग स्टेट के यहाँ पर आपको आइटम खाने पीने को मिलेंगे, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, असम, झारखंड, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, जितने भी स्टेट है हमारे यहाँ पर आप उनके प्रोडक्ट यानी आइटम यानी फूड इंजॉय कर सकते हो। जैसे सिक्किम, बिहार, बिहार में लिट्टी चोखा, लिट्टी मटन, और केरला में 50 प्लस बेवरेजेस, 30 प्लस डोसास के इंजॉय ले सकते हो। उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, पंजाब, पंजाब में जैसे कि फेमस होता है भाई मक्के की रोटी, सरसों का साग, तो यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हो। छोले भटूरे, गोलगप्पे, चाट्स, लस्सी, भेलपूड़ी, नॉनवेज स्पेशल भी है भाई, तो आप आके अलग अलग स्टेट के भाई फूड को इंजॉय कर पाओगे। तो अपना फूड लेते हो तो फूड लेने से पहले यार आपको ना क्यूआर बैंड सिस्टम के थ्रू यहाँ पर पेमेंट करनी होगी जैसे, तो यहाँ पर अपना ना क्यूआर बैंड लेना होगा। तो यहाँ से आप अपना कुछ रिचार्ज करा के ऑनलाइन पेमेंट करके या कैश पेमेंट करके अपना क्यूआर बैंड ले सकते हो, जो कि आप हाथों में बांध के क्यूआर के थ्रू वहाँ पे डायरेक्ट अपना पे कर सकते हो। जैसा कि अभी हम पंजाब वाले काउंटर पे आए हैं, तो ये कुछ इस तरीके का काउंटर होने वाला है। और मेन्यू की बात करिए कि भाई क्या क्या आप खा पाओगे, जैसे सरसों का साग, मक्के की रोटी 150 रुपये प्लेट, छोले भटूरे 100 रुपये प्लेट, गोलगप्पे कुछ, बाकी आपको डिटेल पढ़ सकते हो। कुछ इस तरीके की शॉप होने वाली है पंजाब वालों की, तो देख सकते हो भाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन। यहाँ पर देख सकते हो ये गोलगप्पे बहुत बढ़िया। और आगे चलते हैं तो राजस्थान वाली शॉप है, तो चलो आगे बढ़ के दिखाते हैं आपको। अभी हम राजस्थान वाली शॉप पर आए, तो यहाँ पर आप ये फूड के एंजॉय ले सकते हो। और ये कुछ मेन्यू होने वाले आप पढ़ सकते हो भाई, तो अलग अलग प्राइस के मेन्यू होंगे तो आप देख सकते हो। और ये आप ये आइटम देख सकते हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से, यार यहाँ पर आप खा पी सकते हो। यहाँ ऊँट के सवारी के भी भाई इंजॉय कर सकते हो, अपने बच्चों के साथ बैठ के, अपने फैमिली के साथ देख सकते हो। यहाँ पर एक मैम बैठी हुई है अपने बच्चे के साथ, तो फुल इंजॉय कर रही है भाई। इसके 100 रुपीज चार्जेस लग रहे हैं। अगर आपके साथ आपके बच्चे भी आ रहे हैं तो फुल इंजॉय कर सकते हैं इस मेले में। देख सकते हो बच्चों के लिए यहाँ पर झूले वगैरह, वहाँ पर कुछ झूले हैं, वहाँ पर झूले हैं, यहाँ पर कुछ गेम्स है, रिंग फेंको, इनाम पाओ, और यहाँ पर ये एयर बलून वाला कुछ है भाई, तो इसके भी भाई इंजॉय कर सकते हैं बच्चे। तो यहाँ पर एक देख सकते हो ये कितना प्यारा डिज़ाइन से यार ये रेडी करा गया है। तो ये कुछ कुएं की शेप में, ये देखिए, तो ये भी कुछ शेप में बना हुआ है। बाकी बच्चे यहाँ पर जंप कर करके एंजॉय कर सकते हैं। अगर आगे चलते हैं तो ये ट्रैम्पलिन है इस तरफ कुछ, और यहाँ आते हैं तो बच्चे देखिए यहाँ पर फुल प्ले करते हुए, बहुत बढ़िया। और अगर हम आगे बढ़ते तो यहाँ पर ये काउंटर है जहाँ से आप अपना ये झूले वूले के टिकट ले सकते हो। और ये बच्चों के लिए देखिए यहाँ पर ये जिप्सी वाली राइड है, कार राइड। और उसी के साथ अगर हम उस तरफ चलते हैं तो वहाँ पर है भाई ये एयर गन शॉट्स वाली गेम, देख सकते हो यहाँ से आप अपना ये गेम खेल सकते हो, यानी बलून को फोड़ सकते हो। देखो जैसे ये यहाँ से देखते हैं फोड़ते नहीं, ए, 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 ओ, नहीं फूटा, बैड लक। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं तो रिंग फेंको इनाम पाओ वाली गेम है, एक बॉल से 5 गिलास गिराओ और इनाम पाओ। तो ये कुछ इस तरीके से गेम होगी, ये कुछ बॉल होगी। तो यहाँ पर ये आइटम है, रिंग फेंकना होगा आइटम के ऊपर, जिस भी आइटम पे गया वो आपके, ये देखो जैसे देखो फिर से ये फेंकता हुआ, नहीं गिरा, ये मिस हो गया। फिर से हम देखते हैं, ये देखो ये भाई अभी ठीक कर रहा, ओ ओ नीचे गिर गया, चलो जी बैड लक। अभी हम ये सरस आजवी का मेला 2024 का हम फुल एक्सप्लोर कर चुके हैं, और साथ ही साथ हमने आपको वीडियो के थ्रू ये पूरा एक्सप्लोर कराया। आपको वीडियो में कौन सा पार्ट या सबसे बेस्ट लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही कुछ बढ़िया सी वीडियो के साथ, सो टेक केयर, टाटा बाय बाय।